हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो इंजीनियरिंग कर्व जो चैप्टर अपना चल रहा है उसमें पहला कर्व, इंजीनियरिंग कर्व इलिप्स, मीन्स हिंदी में दीर्घवृत्त बनाना सीखेंगे। और पहली मेथड जो यूज कर रहे हैं दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। हिंदी में इस मेथड को बच्चों बोलते हैं संकेंद्रीय विधि। तो संकेंद्रीय विधि या कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स बनाना सीखेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे और उसको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके मैं बताऊंगा किस तरीके से ड्रॉ करना है आपको आपकी ड्राइंग कॉपी पर। ओके, तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। सामने एक प्रेजेंट करा मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स कि ड्रॉ द इलिप्स बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। टेक मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 70 mm लॉन्ग। हिंदी में मतलब ये है कि संकेंद्रीय विधि से एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसकी बड़ी अक्ष 100 mm है और छोटी अक्ष 70 mm है। तो एक दीर्घवृत्त की रचना करना है जिसमें अपने को दो एक्सिस दे दी, एक मेजर एक्सिस दे दी और एक माइनर एक्सिस दे दी। माय डियर स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी स्टेप्स भी लिख के दे रहा हूँ। अगर आप कोई स्टेप मिस करते हो, मैं जो सिखा रहा हूँ आपको बनाना सिखा रहा हूँ उसमें कुछ भी भूलते हो, तो आप ये 7 स्टेप्स को पढ़कर, इनको फॉलो करके आप आपकी ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हो। देखते जाइएगा आप क्या करना है। सबसे पहले इस मेथड में, सबसे पहले आपको इस मेथड में जो 100 mm की मेजर एक्सिस और 70 mm की माइनर एक्सिस दी है इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल आपके रोलर स्केल की मदद से 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अपन यहाँ पर जो स्केल लेके, पूरे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो स्केल लेके चल रहे हैं वो स्केल कौन सा लेके चल रहे हैं, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो स्केल यूज करते हैं, जो स्केल यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, यही वाला स्केल इस्तेमाल करना है और सारी डायमेंशन को इस स्केल की हेल्प से कन्वर्ट करना है और फिर यूज करना है। कैसे, देखिए जैसे 100 mm है तो 100 mm कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के इक्वल, का मतलब क्या 100 mm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड 70 mm इज इक्वल टू, एंड 70 mm इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 70 mm 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ओके, तो एक 10 सेंटीमीटर की सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। देखिए ये मैंने एक 10 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, सबको नजर आ रही होगी, एक 10 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। ओके, नाउ अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का सेंटर पॉइंट निकाला मैंने, कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर, और उस 5 सेंटीमीटर पर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा जो कि 7 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन उस 7 सेंटीमीटर में भी आधा पार्ट मतलब 3.5 ऊपर और 3.5 नीचे मेरे को ऐसी एक परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींच, देखिए मैंने खींच दी है 7 सेंटीमीटर की लाइन। चलिए अब क्या करेंगे, इन एक्सिस के नेम दे दो। जैसे पहली एक्सिस हॉरिजॉन्टल को मैंने ए बी दे दिया और सेकेंड एक्सिस वर्टिकल एक्सिस को मैंने सी डी दे दिया। अब क्या करना है, आपका डिवाइडर और पेंसिल का यूज करना है। डिवाइडर पेंसिल इस तरीके से यूज करना, देखिए जो ए बी एक्सिस है उसके सेंटर पॉइंट से ए तक की दूरी या बी तक की दूरी समान है, इसका मतलब वो रेडियस है। तो जो सेंटर पॉइंट है उससे ए तक की दूरी की रेडियस आपके डिवाइडर को आपको फैलाना है और एक बड़ा सर्कल उस रेडियस का, ओ से मतलब सेंटर से ए तक की रेडियस का एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसी सेंटर से सी या डी तक मेजर करके एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरीके से देख लीजिए, ये छोटा सर्कल ड्रॉ करा मैंने और इस तरीके से बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब अपने जो सर्कल
एक छोटा और एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करा है। जो छोटा सर्कल है उसकी एक्सिस थोड़ी छोटी है, इसलिए उसको भी पकड़ के बाहर तक आप मिला सकते हो माय डियर स्टूडेंट। इस तरीके से जो मैंने रेड कलर में मिला है इसको बाहर के सर्कल तक मिला दीजिए। ओके नाउ अब अपने को किसी एक सर्कल के 12 इक्वल पार्ट करने हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने, किसी एक सर्कल के मतलब या तो बड़े सर्कल या छोटे सर्कल के 12 या 8, इसमें भी ऑप्शन में दे रहा हूँ और एग्जाम में भी अलाउड है, या तो 12 इक्वल पार्ट करिए या 8 इक्वल पार्ट करिए। तो क्या करते हैं, मैं अंदर वाले सर्कल के 12 पार्ट करना आपको सिखाता हूँ, 8 पार्ट करना तो बहुत आसान है, 12 पार्ट करना सिखाता हूँ कैसे करते, किसी भी सर्कल के 12 इक्वल पार्ट कैसे करते हैं। पहली बात, अगर मेरे को अंदर वाले सर्कल के 12 इक्वल पार्ट करने हैं तो मैं अंदर वाले सर्कल की रेडियस मेजर कर लेता हूँ एक बार। इसका मतलब सेंटर से सी तक की दूरी या सेंटर से डी तक की दूरी समान है। ओके तो सेंटर से सी तक की दूरी मेजर कर ली और डिवाइडर को उठा के सी पॉइंट पे रखिए। पहले सी पॉइंट पे रखकर दोनों साइड सर्कल पर एक एक कट करिए। ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट, एक स्टेप आपको समझ में आ गए तो पूरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए मैंने क्या करा, सेंटर से लगाकर सी तक की दूरी मतलब छोटे सर्कल की रेडियस मेजर कर ली और फिर उस डिवाइडर को उठा के सी पे रखा और सी पे रखने के बाद उसी सर्कल पर दोनों साइड एक एक कट कर लिया। सेम प्रोसेस डी पर रखूंगा मैं यही रेडियस लेके और डी के भी दोनों साइड एक एक कट करना है। ओके अब बच्चे दो पॉइंट बीच वाले जो ए बी एक्सिस पर है, तो छोटे सर्कल पर जो ए बी एक्सिस पॉइंट है उन पर भी रखिए और इस वाले पॉइंट पर रखकर दोनों साइड एक एक कट करोगे तो इस तरीके से मिल जाएगा आपको। देखो दोनों साइड एक एक कट, बचा हुआ एक पॉइंट बी एक्सिस के तरफ है उस पर भी रख के एक दोनों साइड एक एक कट करोगे इस तरीके से। ध्यान से देखिए, तो छोटे वाले सर्कल के 12 इक्वल पार्ट हो चुके हैं और एग्जैक्टली इक्वल पार्ट होंगे। अब क्या करना माय डियर फ्रेंड, इन पॉइंट्स को इनमें कोई ना कोई दो दो पॉइंट कॉमन मिलेंगे। जैसे ये पॉइंट कॉमन है, देखिए ये सेंटर से जाते हुई एक रेखा पर ही ये दो कोण मिल रहे, ऐसे सारे पॉइंट सेंटर से जाती हुई रेखा पर मिलेंगे। तो क्या करना है, इस लाइन को आगे तक बढ़ाना है आपको, बड़े सर्कल तक, इस लाइन को बड़े सर्कल तक मिलाना है इस तरीके से। वैसे इस पॉइंट को पकड़ के सेंटर से जाना है, हमेशा सेंटर से पास होगी और इस पॉइंट को पकड़ते हो बड़े सर्कल तक। ऐसे सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो अपने आप छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के, छोटे सर्कल की पार्ट करें आपने और उन लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो बड़े सर्कल के भी एग्जैक्टली इक्वल पार्ट हो जाएंगे 12। तो किसी भी सर्कल के 12 एग्जैक्टली पार्ट करने का मेथड मैंने आपको ये सिखाया। ओके अब यदि मेरे को सर्कल के 8 पार्ट करने हैं तो कैसे करूं। देखिए 8 और 12 करने का फायदा और नुकसान मैं आपको बता दूं। 12 इक्वल पार्ट करोगे तो आपके क्वेश्चन के, आपके ड्राइंग में थोड़ी सी एक्यूरेसी नजर आएगी, है ना, और 8 इक्वल पार्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही बनेगा, एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम रहता है तो आप 8 इक्वल पार्ट कर भी सकते हो। 8 पार्ट करना तो आसान है, देखिए 4 पार्ट तो इससे आसानी से दिख ही रहे होंगे आपको। ओके चार पार्ट आसानी से दिख रहे हैं, बस इसके सेंटर पॉइंट को पकड़िए और एक रेखा खींचिए तो दो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा अपने आप। ध्यान से देखिए, पहले सी डी को मैंने ऊपर और नीचे तक बढ़ा दी, अब क्या करा, एक सेंटर लाइन पास करी, सेंटर पर स्केल सेट करना एकदम सेंटर पॉइंट पर, और इस तरीके से ऐसे इधर वाले पे भी एक सेंटर लाइन पास कर देना। ओके अब काउंट करो माय डियर स्टूडेंट, दोनों सर्कल में कितने पार्ट हो गए, एक रेखा ये पास हो जाएगी और एक रेखा ये पास हो जाएगी। ये इस तरीके से जब सेंटर लाइन पासेस हो जाएगी तो दोनों सर्कल अपने आप 8-8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 8 इक्वल पार्ट करने के लिए मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं है, आसानी से तुम सेंटर सेट करके लाइन ड्रॉ करोगे तो जो है कि आपका दोनों ही सर्कल के अपने आप 8 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अब बारी आती मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग की,
पॉइंटिंग करने की, नंबरिंग करने की, नंबरिंग कैसे की जाए, अंदर वाले सर्कल और बाहर वाले सर्कल की नंबरिंग कैसे की जाए। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, बाहर वाले सर्कल की नंबरिंग मैंने एक के बाद करी, 1 2 3 4 5 ऐसे में करते गया तो मेरे को टोटल नंबर मिले 10 तक। ए और बी को मैंने नंबरिंग नहीं दी है। एग्जैक्टली जैसे मैंने बाहर वाले सर्कल के नंबरिंग करी वैसे मैं क्या करूंगा, अंदर वाले सर्कल की नंबरिंग करूंगा। बस ध्यान इतना रखना है कि जहां 1 दिया है अंदर वाले सर्कल पे भी 1 देना है मेरे को। देखिए जहां 1 मैंने बाहर वाले सर्कल पे दिया है उसी लाइन पर अंदर वाले सर्कल पे 1 अगेन, फिर रिपीट 2 3 4 5 6 7 अप टू 10। ओके, नंबरिंग मोस्ट आईएमपी है। अगर आप नंबरिंग का रोटेशन चेंज कर दोगे, 1 के सामने 1 नहीं दोगे, तो आपका कर्व सही नहीं बनेगा, आपका कर्व सही नहीं बनेगा। इसलिए नंबरिंग ऐसे ही दे जैसे मैंने आपको सिखाई है। ओके, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अब चालू होती है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। जो आपकी 3 to 8 वर्टिकल लाइन है और एक लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है ए टू बी, तो इन दो लाइन का यूज करते हुए इसके पैरेलल स्केल सेट करना है आपको। ध्यान से देखिएगा, इसके पैरेलल स्केल सेट करना और उसको रोटेट कराते हुए, क्योंकि रोलर स्केल रोटेट करता हुआ कहाँ ले जाना, 1 तक, 1 पे ले जाना, पॉइंट नंबर 1 पे, बाहर वाले सर्कल के पॉइंट नंबर 1 पे, और नीचे की तरफ एक हल्की पेंसिल का यूज करते हुए एक लाइन खींच देना, इस तरीके से आपको दिखी होगी। सेम माय डियर स्टूडेंट पॉइंट नंबर सॉरी पॉइंट नंबर 10 जो नीचे है उस पर पकड़ के लाइन ऊपर की तरफ खींच देना। उसके पहले अगर आप खींचना चाहो तो ऊपर जो 2 नंबर पॉइंट है उससे भी एक नीचे लाइन खींचा जाएगी, जो 4 नंबर पॉइंट है उससे एक लाइन खींचा जाएगी नीचे, 5 नंबर से भी एक लाइन खींचा जाएगी, वैसे ही 10 नंबर से ऊपर की तरफ देखो, ध्यान से 9 नंबर पे देखो आप, ये 3 और 8 जो लाइन है बड़ी वाली सी डी एक्सिस पर उसके पैरेलल खींच रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। ओके, 7 पे खींच दी, 6 पे खींच दी, चलिए तो सारे पॉइंट पर जितने ऊपर पॉइंट है उनसे मैंने नीचे की तरफ एक लाइन लाया हूँ, और जितने नीचे पॉइंट है डियर स्टूडेंट उससे मैं ऊपर की तरफ ले गया हूँ। ओके, अब आपका रोलर स्केल एक बार उठा के एपी एक्सिस के पैरेलल सेट करना है, मतलब ओरिजेंटल सेट करना है। ओरिजेंटल सेट करा और देखिए जो 1 नंबर पॉइंट है उसको 1 के तरफ बढ़ाना है इस तरीके से, ध्यान से देखा, फिर से देख लो, 1 को हॉरिजॉन्टली एबी एक्सिस के पैरेलल इधर बढ़ाया। तो ध्यान से देखोगे जो पहले बाहर वाले सर्कल का 1 है उसने अंदर वाले सर्कल के 1 को कट कराया, कहीं ना कहीं वहां पर माय डियर स्टूडेंट आपको एक पॉइंट मिलेगा दोनों के कट पॉइंट पर। ऐसे ही 2 नंबर पे देखिए, 2 नंबर पे भी ऐसा एक पॉइंट मिल जाएगा, 3 नंबर ऑलरेडी सर्कल पे ही है इसलिए वहीं पर पॉइंट मिलेगा, लेकिन 4 नंबर पे देखिए, 4 ऊपर से एक लाइन आ रही है और इधर से एक लाइन गई तो 4 पे एक पॉइंट मिल गया। सेम 5th नंबर पे देखिए, एक पॉइंट अगेन मिलेगा मेरे को, 6th नंबर पे एक पॉइंट मिलेगा, 7 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे। माय डियर स्टूडेंट्स, अंदर वाला सर्कल का 1 अंदर वाले सर्कल के जितने पॉइंट है बाहर वाले सर्कल के उतने पॉइंट पर जाकर काटेंगे तो आपको एक एक पॉइंट मिलते जाएगा, जिनको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो एक अलग कलर में उन कट बिंदु को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, देखते जाइए, 1 2 3 वाला पॉइंट यहीं पर मिलेगा सर्कल की टेंजेंट पे, स्पर्श पे, 4 5 6 7 8 9 सॉरी 9 10 एंड ए पॉइंट पर आ गया। अब ये जो पॉइंट मिला माय डियर स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने जितना काम करा, मैंने आपको 3 पेंसिल इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करना सिखाया, HB पेंसिल, 2H पेंसिल और H पेंसिल, जिसमें 2H जो है थोड़ा हल्का कलर यूज। तो ये अभी तक जितना भी वर्क करना है आपको क्वेश्चन स्टार्ट से अभी तक, वो पूरा का पूरा वर्क आप को हल्की पेंसिल मतलब 2H का यूज करते हुए करना है।
अब एक इन पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं एक डार्क सर्कल मिलाऊंगा जो आपको डार्क पेंसिल का यूज करना है, मतलब एच या HB पेंसिल का यूज करते हुए आपके फ्री हैंड, ध्यान से देखिए किसी भी कर्व की मदद नहीं लेनी है, फ्री हैंड इन पॉइंट्स को मिलाना स्टार्ट करना है। ए पॉइंट से मिलाना स्टार्ट करना, 1 2 3 4 बी तक जाना, फिर बी से नीचे आना, वापस ए तक आना। तो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे कैसे, देखिए इस तरीके से एक डार्क पेंसिल का यूज करते हुए मैंने ए से मिलाना स्टार्ट करा तो 3 तक एक कर्व मिला है, तो एक मेरे को स्मूथ पार्ट प्राप्त हुआ। ध्यान से देखोगे तो जब इस तरीके से ऊपर का पूरा पार्ट मिला दोगे तो आपको आधा इलिप्स मिल जाएगा। इलिप्स या दीर्घवृत्त होता कैसे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वो एक अंडे का आकार का बनता है, तो देखोगे तो ये अंडे का आधा भाग बन गया है। ओके, नेक्स्ट नीचे वाले पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो देखिए फिर एक पार्ट कंप्लीट हो गया, और फिर से नीचे वाले पॉइंट्स को मिलाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स आपका इलिप्स बनकर तैयार हो जाएगा। आपका इलिप्स बनकर तैयार हो जाएगा, आपका दीर्घवृत्त फ्रॉम दी संकेंद्रीय विधि से बनकर तैयार हो जाएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स कैसा बनता है वो आपको मैंने बना के बताया। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बीटेक स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट दोनों के क्वेश्चन पेपर पुराने अगर तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली 80% केस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स बनाना ही आता है। ओके, तो पूरा मैंने आपको बनाना सिखाया, सारी स्टेप्स लिखी हुई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो ये था इलिप्स। ओके, नाउ अब मैंने आपको इनिशियल जब इंट्रोडक्शन ऑफ द कर्व पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इलिप्स कोई एक मेथड से नहीं सीखना अपने को, इलिप्स डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बनाने को आता है। ओके, तो ये तो मैंने आपको एक मेथड बताई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होती है वो मैंने आपको बता दी। नाउ नेक्स्ट, बाय रेक्टेंगल मेथड, इस मेथड का नाम है। चलिए इलिप्स अपन रेक्टेंगल मेथड से बनाना सीख रहे हैं, इलिप्स सेम बनेगा बस मेथड चेंज होगी। रेक्टेंगल मेथड क्या है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से था, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं, ये आपके सामने प्रॉब्लम है रेक्टेंगल मेथड की। ड्रॉ द इलिप्स बाय द रेक्टेंगल मेथड, टेक अ मेजर एक्सिस इज 100 mm एंड माइनर एक्सिस इज 70 mm लॉन्ग। ओके, अब क्वेश्चन में डाटा तो वही दिया है, इसका हिंदी मतलब यह है कि आयत विधि से दीर्घवृत्त बनाइए जिसकी बड़ी एक्सिस 100 mm और छोटी एक्सिस 70 mm लॉन्ग है। ध्यान से सुनिएगा, उस समय कॉन्सेंट्रिक सर्कल से पूछा था तो अपन ने सर्कल ड्रॉ करे थे, अब रेक्टेंगल ड्रॉ करना, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, रेक्टेंगल मेथड है। देखिए सबसे पहले जो 100 mm की आपको बड़ी एक्सिस दी वो खींच लीजिए, ये आपकी सारी स्टेप्स आ गई है। लेफ्ट साइड बड़ी एक्सिस मैंने ड्रॉ करी, देखिए नीचे स्टेप बाय स्टेप देखिए जा, सेंटर पॉइंट निकालिए और सेंटर पॉइंट पर एक छोटी एक्सिस 70 mm की, मतलब 3.5 cm ऊपर और 3.5 cm नीचे, इस तरीके से आपका दो एक्सिस। अब मैंने लास्ट टाइम कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड में इन दोनों एक्सिस को लेके दो सर्कल बनाए थे, लेकिन इस बार मेथड का नाम है रेक्टेंगल मेथड, तो इन दोनों एक्सिस को, दोनों एक्सिस के एंड पॉइंट को मिलाते हुए मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लूंगा पहले आपके रूलर स्केल की मदद से। ओके, तो देखिए मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, बन गया आपके सामने दिख रहा होगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि जो आपकी ए बी एक्सिस और सी डी एक्सिस है, ठीक है, अब जो एक पार्ट देखिए, केवल टोटल चार पार्ट करे मैंने रेक्टेंगल के, एक पार्ट को देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक पार्ट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लंबाई में फर्क है, वर्टिकल एक्सिस की लंबाई कम है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल, लेकिन लेकिन कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों ही पार्ट के मेरे को इक्वल पार्ट करने, मतलब दोनों ही लेंथ के इक्वल पार्ट करने, यदि 3 करूंगा तो 3 और यदि 4 करूंगा तो 4। ओके,
देखिए जैसे वर्टिकल एक्सिस के मैं नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करा, अच्छा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने के लिए कोई नई मेथड नहीं है, जो मैंने आपको स्केल में सिखाया यहाँ पर वही लगा सकते हो तुम मेथड। ओके देखिए मैंने कितने पार्ट कर दिए, 1 2 3 4, नंबरिंग 3 करिए लेकिन लाइन के पार्ट कितने हुए डियर स्टूडेंट्स, 4। इसका मतलब कि ए से राइट हैंड साइड भी मैं 4 इक्वल पार्ट ही करूंगा, ये जरूरी है इस मेथड। ओके लास्ट में 4 पॉइंट दे दिया, अब देखिए इधर भी ये 4 पार्ट कर दिए, तो केवल पहला पार्ट देख रहे हैं अपन, बाकी सारे पार्ट्स में मैं आपको मेथड सिखा दूंगा कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में मैंने मेथड लगाई और 4 4 इक्वल पार्ट कर दिए। ओके नाउ अब क्या करना है, आपका रोलर स्केल लेना है, आपको जो वर्टिकल लाइन पर 1 2 3 4 पॉइंट है उनको डी पॉइंट से मिलाना है डियर स्टूडेंट, कौन से पॉइंट से, डी पॉइंट से, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर 1 2 3 4 5 है उनको सी पॉइंट, नीचे देखिए बॉटम में सी पॉइंट से जाते हुए मिलाना है। कैसे, देखिए 1 को मैंने पकड़ा डी से मिला दिया, ऐसे रोलर स्केल आगे बढ़ाओ, 2 को पकड़ के डी से मिला दिया, 3 को पकड़ा डी से मिला दिया। ओके अब हॉरिजॉन्टल लाइन का जो 1 है उसको सी से मिलाना है इस तरीके से लिखा। तो माय डियर स्टूडेंट्स जब हॉरिजॉन्टल लाइन के 1 को सी से मिलाओगे तो उस लाइन को आगे तक एक्सटेंड करोगे तो जो 1 से डी वाली लाइन है उसको कहीं ना कहीं वो कट करेगी, वहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, वहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा। सेकेंड पॉइंट 2 को भी सी से मिलाया, आगे तक बढ़ाया तो 2 नंबर लाइन को कहीं कट करा, फिर एक पॉइंट मिल गया। अगेन 3 नंबर को मिलाया, फिर एक पॉइंट मिल गया। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो ए पे एक पॉइंट पहले ही पता है अपने को, 1 ने 1 को जहां काटा देखिए वहां पर एक पॉइंट मिला जो मैं एक अलग कलर में देते जा रहा हूँ, 2 ने 2 को जहां काटा वहां पर एक पॉइंट मिला, 3 ने 3 को जहां काटा वहां पर एक पॉइंट मिला, और डी पे ऑलरेडी एक पॉइंट मिला है देखिए। ओके तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा कि जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा डियर स्टूडेंट तो अपना जो कर्व है ना उसका एक पार्ट, एक चौथाई पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इलिप्स का एक चौथाई पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको कि ये सारा काम हल्की पेंसिल का यूज करते हुए करना है आपको, अभी जो कर्व मिलाऊंगा केवल वो डार्क वो रिजल्ट है, तो रिजल्ट को हमेशा डार्क बनाना है। देखिए इस तरीके से इन पॉइंट्स को जो मैं फ्री हैंड मतलब किसी की आपके हाथ से पेंसिल को चलाते हुए स्मूथ कर्व जितना बन सके उतना बनाना है, तो ये आपका कर्व मतलब इलिप्स का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। माय डियर स्टूडेंट सभी पार्ट्स में सेम मेथड लगा सकते हो और इतना कर्व कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन देखते जाइए जैसे सेकेंड पार्ट में मैंने राइट हैंड साइड पर एक लाइन के पार्ट कर दिए, उसको नंबरिंग दे दी बॉटम से टॉप। अच्छा नंबरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए पहले पार्ट में एक बार नंबरिंग का कंसेप्ट समझिए, वर्टिकल लाइन पर बॉटम से टॉप देना है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेफ्ट से राइट ही देना है, अगर तुम राइट से लेफ्ट चल दोगे तो भी आपको पॉइंट गेट नहीं होंगे। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए, बॉटम से टॉप नंबरिंग दे दी, हॉरिजॉन्टल लाइन पर राइट से लेफ्ट नंबरिंग दे दी, राइट से लेफ्ट। अगेन मिलाएंगे कैसे, देखो डी से 1 को मिलाया, डी से 2 को मिलाया, डी से 3 को मिलाया और डी से 4 ऑलरेडी मिला हुआ है, फिर नीचे वाले जो 1 2 3 है उनको कहां से मिलाएंगे, सी से, 1 को सी से मिलाया, 2 को सी से मिलाया, 3 को सी से मिलाया, तो 1 ने 1 को कहीं काटा, 2 ने 2 को कहीं काटा, 3 ने 3 को कहीं काटा, उन पॉइंट्स को बना लीजिए इस तरीके से। डियर स्टूडेंट जब इन पॉइंट्स को तुम एक स्मूथ कर्व के थ्रू मिलाओगे तो आपको इलिप्स का हाफ पार्ट कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, इलिप्स का हाफ पार्ट कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है नाउ अब नीचे भी सेम मेथड लगा सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना हो तो सिमिलर करके आप बाकी का कर्व उसको बना के बता सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो डायरेक्टली आपसे अगर स्मूथली बनता है, देखिए डायरेक्ट भी उसको सिमिलर वो समझ जाता है कि बच्चे को मेथड लगाते आती है, आप इस तरीके से भी उसको
बना सकते हो, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए पहले पार्ट में देखिए किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले पार्ट में किस तरीके से आप एक शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। ओके, क्या करो, इस सी डी एक्सिस के पैरेलल इन पॉइंट्स को, जो वन नंबर पॉइंट है उसको पकड़ के सीधा नीचे की तरफ लाओ। ओके, लाइन एकदम पैरेलल आनी चाहिए। पॉइंट नंबर जो दो दो को काटा था उसको पकड़ के नीचे लाओ मेरे डियर स्टूडेंट्स। ओके, तीन नंबर जो पॉइंट काटा था उसको नीचे पकड़ के लाओ इस तरीके से। ओके, जब ये तुम ले आओगे, अब तुमको ऊपर वाले पार्ट में इस पॉइंट की वन जो वर्टिकल लाइन पे वहां से वहां तक की दूरी को आपके डिवाइडर से या किसी से मेजर कर लेना है और इस तरीके से कट कर लेना है यहाँ पर। फिर दूसरा पॉइंट का यहाँ पर कट हो जाएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर कट हो जाएगा। ओके, और फिर इनको जो है कि आप मिला देना, तो भी आपका कर्व कंप्लीट। सेम जो लास्ट पार्ट है इसमें भी आप ये मेथड लगा के आपका कर्व कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको दीर्घ व्रत की दो मेथड जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मेथड से मैंने आपको दीर्घ व्रत या बोले तो इलिप्स बनाना सिखाया। ओके, तो जो इलिप्स बनाना सिखाया है आप इसको बनाइएगा। ओके, इसके आगे के जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से और डेली मेरी क्लास ज्वाइन करिए और बनाना सीखिए। ओके, थैंक यू सो मच।